ये तो यश ने कहा था कि कल सुबह कल से गिरीश पर भी 9 क्लास 9 बजे रखा थी, उठने में थोड़ा लेट होता है। ये तो रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्सेस मांगे थे सच्ची सच्ची वाले, ये सब तो तुम लोग करते हो काम। फिर लिखा है यू हैव अ कंप्लीटली बिहारी एक्सेंट एंड हैविंग इरिटेशन, ये सब लिखा है। हाँ मत कर, तुम लोग में से कोई लिखा है ये प्रॉब्लम हो रहा है। प्लीज इम्प्रूव योर ग्रामर, तुम लोग को ये नहीं पता जो लोग भी भेजा सबका मेल आईडी मेरे पास है। सुबह उठने ये लिखा है, बताओ सुबह उठने में हमको प्रॉब्लम होता है, हम इसमें क्या करें, तुमको उठने में प्रॉब्लम होता है। ये मेरा जिंदगी है, निकल ही नहीं रहा। ये सब तो तुम लोग ये जय हो अच्छा। सर एसी मत चलाइएगा गिरीश पार्क सेंटर में, ही मतलब ऐसा ऐसा भेजते हो, ये तुम लोग का फीडबैक है। ठंड के टाइम पे एसी चलाइए, कैसे चल रहा है ऐसा तो कोई लिखेगा नहीं, खुद से बना बना के बात। अगर तुमने दिखा दिया अभी तो जीमेल खोल के दिखा दीजिए, देखो वो लोग वहां पर हंस नहीं रहे तीनों जन। हमको तो एसी वाला बात देखते सरस्वती मुस्कान का याद आया था। हम अभी तक खोलने भी नहीं आपका इंग्लिश वाला, आपको पता है कौन लिख रहा है, मेरे बगल में बैठा है वो, तेरा नाम दिया भाई, बगल में कौन बैठा है, फिर भी बैठा। अच्छा तो तुम लोग सबका वन तो पूरा किया हुआ है, एक बार फॉर्मल अभी तक किया ही नहीं, मतलब पूरा ही नहीं किया, मतलब उसको बाकी है उसका देखना क्या क्या बाकी है। 14 अभी भी बाकी है, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग को हम पूरा रिवाइज कराते थे ताकि तुम लोग जब सम्स करोगे तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा, वैसे पूरा रिविजन नोट्स का सब कुछ दे दिया है, मतलब प्लेलिस्ट वाला में एक एक सम दे दिए, बस खाली बुकलेट 3 का सम थोड़ा बचा हुआ है। तुम लोग देखे भी हो प्लेलिस्ट खोल के उसमें क्या क्या है, प्लेलिस्ट बनाया है CM1 का मेरा चैनल में, ठीक है ऐसे देख रहे जज कर लिया तुम लोगों के बाद, पहले तो पहली बार सुना है। अच्छा चलो तो स्टार्ट करते, तुम लोग हमको बताएगा, हम कुछ नहीं बताएंगे आज। वी विल स्टार्ट विद टाइम, आज हमको बहुत अच्छा लगेगा। पांच रिस्पॉन्स आया उसमें से एक तो तेरा पक्का था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो बताओ सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट क्यों पे करते, व्हाई डू वी पे इंटरेस्ट, बताओ तुम लोग हमको बताओगे, बताओ एक एक करके। हाँ लाइन से, हाँ आज 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 मेरा बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबका नंबर आएगा, बोलो। रिस्क फैक्टर और डेप्रिसिएशन, कहां से बढ़ गया भाई, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज, हाँ ये बहुत अच्छा लगा मेरे को आज, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस ओवर, ओहो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर। फिर ये भी क्वेरी आएगा आपका वी और आर अच्छा नहीं है, नहीं कल सच्ची में डिक्रीजेस ओवर टाइम, और क्या था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके सो नेक्स्ट इज योर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में अक्यूमुलेशन फैक्टर का क्या फॉर्मूला था, व्हाट इज अक्यूमुलेशन फैक्टर, व्हाट इज अक्यूमुलेशन फैक्टर, आगे भेजने का क्या, पूरा बात करो युक्ता बताओ, व्हाट इज अक्यूमुलेशन फैक्टर, हाउ मेनी टाइम्स
हाँ हाँ यही चाहिए था. हाउ मेनी टाइम्स माई फंड हैज ग्रोन. एक क्लास प्लीज फोकस. हैज ग्रोन ठीक है. तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होता है? वन प्लस एन आई. अगर मेरे को डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? वन बाय अक्यूमुलेशन फैक्टर. तो अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर सिंपल डिस्काउंट सुरभि खेतान. अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर सिंपल डिस्काउंट. अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर सिंपल डिस्काउंट. मेक्स अ नॉइस. सुबह सुबह उठ के आया. वन माइनस एन डी. ठीक से बोल, जोर से बोल. वन माइनस वन माइनस एन डी टू दी पावर माइनस वन. बिकॉज अक्यूमुलेशन फैक्टर आ गया था ना. अच्छा सिंपल डिस्काउंट से एक टर्म याद आ रहा है मेरे को. जेड सी बी. वॉट इज जेड सी बी? जीरो कूपन बॉन्ड. क्या होता है? वॉट इज जीरो कूपन बॉन्ड? सर एक ऐसा बॉन्ड जिसमें कि जीरो कूपन मिलते हो. वाह. एक ऐसा बॉन्ड जिसमें कितना नंबर ऑफ कूपन मिले? तो सर इसमें इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? पचास में देंगे और सौ में ले लेंगे. राइट. मान लो दिस इज टाइम जीरो एंड दिस इज टाइम फाइव. एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हम बोल रहे हैं आज मेरे को पचास दे दो, पांच साल बाद कुछ नहीं मिलेगा. सॉरी पांच साल बाद सौ मिलेगा. तो एक्स्ट्रा जो फिफ्टी ये क्या है? इंटरेस्ट है. तो जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार. ठीक है. अच्छा नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट. व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट वर्सेस सिंपल इंटरेस्ट? बताना प्लीज. कंपाउंड इंटरेस्ट वर्सेस सिंपल इंटरेस्ट क्या करेंगे बताओ? कंपाउंड इंटरेस्ट का जो ट्री ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? 100 एट द रेट 4%. तो कैसे बनाएंगे इसको? 100 एंड 4 और फिर यहां से निकलेगा 104 और फिर यहां से निकलेगा 4 का 0.04. दिस इज व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट. अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो क्या ये होता? ये नहीं होता क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे सिर्फ क्या इंटरेस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट पे क्या खाली प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट चार्ज होगा. प्रिंसिपल पे ओनली. किसमें? कंपाउंड ही सिंपल सिंपल. अच्छा सिंपल इंटरेस्ट का डिस्काउंटिंग फैक्टर बता के दिखाओ. तो एक मिनट रुको. हाँ सिंपल इंटरेस्ट का इशिका सही ना सिंपल इंटरेस्ट का डिस्काउंटिंग फैक्टर वन प्लस वन माइनस ओके वन माइनस एन डी. डी इज द इंटरेस्ट रेट एंड आहा आप सही बोल गए. और कोई जो गलत बोलना चाहेगा? सिंपल इंटरेस्ट का क्या मांगा था? डिस्काउंटिंग फैक्टर मांगा था ना. हाँ बताओ. वन प्लस एन आई टू द पावर माइनस वन. ठीक है ना. अच्छा इसके बाद में एक टर्म पढ़ा था एफ ओ आई. ये क्या था? फोर्स ऑफ इंटरेस्ट. ये क्या होता है? अच्छा से बोलो. हाँ करण बताओ. करण का मन बोलने का मन कर रहा है. व्हाट इज डेल्टा? व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा की जगह मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ? कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग. बोलो. हाँ डेल्टा के लिए मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ? दैट डेल्टा इज नथिंग बट कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब अगर हर सेकेंड अगर मेरे को हर सेकेंड इंटरेस्ट मिले तो क्या बोलेंगे? डेल्टा. अच्छा इसका एक और एक बहुत नोटेशन था. आई क्या बोल सकते? आई आई क्या बोल सकते? हाँ इन्फिनिटी. अच्छा एक बात बताओ, आई इन्फिनिटी इज डेल्टा तो आई टू क्या होगा? I2 क्या होगा? बोलो. I2 क्या है? What is I2? What is I2? Nominal rate of interest. Nominal rate of interest. क्या? Convertible? Why convertible? Why convertible? Convertible क्यों बोलते हैं इसको? Convertible क्यों बोलते हैं इसको? कैसे effective में convert करेगा? मान लो I2 दिया हुआ है 6%. तो इसको इफेक्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या हम इससे क्वार्टरली इफेक्टिव निकाल सकते हैं? क्या क्वार्टरली इफेक्टिव कैसे निकालेगा तुम लोग? इससे क्या निकलेगा?
इससे क्वार्टरली इफेक्टिव कैसे निकलेगा, इससे पहले क्या निकलेगा, हाफ ईयरली इफेक्टिव. दे कैन बी इजिली कन्वर्टेड इंटू इफेक्टिव रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. तो इसका इफेक्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय टू. तो हाफ ईयरली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, आई टू बाय टू. कितना मजा आ रहा है तुम लोगों को, आई टू बाय. अच्छा सुनो ये सब छोड़ो, व्हाट इज आई थ्री, जो हम इसको बोलेंगे प्रतीक कहा गया, व्हाट इज आई थ्री. सो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज आई थ्री, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. बोल भाई व्हाट इज आई थ्री, गलत. एक मिनट, ओ हाँ आप हाँ, कन्वर्टिबल फोर मंथ्स थी, बिकॉज आई थ्री का मतलब क्या, एक्स्ट्रा को कितना भाग में काटा है, तीन भाग में. नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टिबल फोर मंथ थी. अगर कन्वर्टिबल फोर मंथली होगा मतलब क्या है, आई थ्री. अच्छा अगर चार महीना है तो कितना चार महीना एक्सेल बनाएगा, तीन. गुड, व्हाट इज आई 0.25, कन्वर्टिबल एवरी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टिबल एवरी फोर इयर्स. हर चार साल का नॉमिनल रेट है, तो अगर चार साल का इफेक्टिव रेट बनाना होगा तो क्या बनाएंगे, आई 0.25 बाय 0.25. तो अगर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस आई, अपना जो फॉर्मूला था 1 प्लस आई 0.25 बाय 0.25, कैसे लिख सकते हैं देखो, तो कहां पर होगा, क्यों यहां पर 4 नहीं हो सकता है, यहां पर भी तो 4 हो सकता है. ये कितना साल का एक्युमुलेशन फैक्टर है, 4 साल का, और ये वाला 4 साल का, मतलब 4 साल का जो इफेक्टिव रेट है वो क्या हो जाएगा, आई 0.5 बाय आई 0.25 बाय 0.25 प्लस इधर में. हाँ इसके बाद में अभी अगर मान लो डेल्टा टी दे दे, डेल्टा टी ऐसा दे दे 0.2 माइनस 0.002 टी, तो इसका मतलब क्या है, ये जो डेल्टा टी दिया इसका मतलब क्या है, पहले में और जैसे मान लो डेल्टा इज इक्वल टू 10% पर एनम और डेल्टा इज इक्वल, दोनों में फर्क क्या है, कौन सा टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, ये वाला क्या हो रहा है, टाइम के हिसाब से चेंज. अगर ये टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है तो हम लोग को अगर मान लो अक्यूमुलेशन फैक्टर, मान लो ये मेरा डेल्टा टी का फंक्शन है और मेरे को ऐसे निकालना है, ए व्हाट इज दिस, ए 0 to 5 व्हाट इज दिस, ये क्या है, 5 साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर का नोटेशन है. तो इसको कैसे करेंगे बता रहा हूं, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, 0 to 5 डेल्टा टी डी टी. सॉल्व करो, चलो स्टार्ट फटाफट सॉल्व करो इसको, देखो कितना आ रहा है. तुम कॉपी निकाले कहा, कब पढ़ेगा रे तुम्हारा फैजल, 0.25 कॉपी निकालो, कॉपी निकालो. कितना इसका आंसर, कितना 2.651. गुड, यहां तक ठीक है, कोई भी दिक्कत, अरे बोलो नहीं. हाँ ठीक है. अच्छा ये तो हो गया, नाउ व्हाट इज नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये होता क्या है पहले ये बताओ,
नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बताओ, बोलो ये होता क्या है? एनुअल, पहला बात, पॉइंट नंबर वन, एनुअल जबरदस्ती बनाया हुआ रेट है नहीं जबरदस्ती, एग्जैक्ट है ना, अप्रोक्स है, अप्रोक्स है। और इसको क्या क्या बोलते थे? कन्वर्टिबल। क्यों कन्वर्टिबल क्यों बोलते थे? बिकॉज इसको हम लोग इजिली, क्या हम लोग इसको यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते हैं इसको। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? नॉट टू बी यूज इन कैलकुलेशन। ठीक है, अच्छा ये जो रिलेशनशिप पढ़े थे वो कैसा पढ़े थे? क्या वन प्लस आईपी बाई पी होल टू द पावर पी इज व्हाट? वन बाय वन माइनस। यहां पर ये पी क्या है? पी क्या है? एक मिनट जाओ, कृतिका पी क्या है? सर आपका नाम का पहला लेक्चर, बोलो पी क्या है? कितना बार क्या बार है? अरे रुको बाबा, सबका मौका मिल जाएगा, सबका सबका चांस आएगा ना। नो, एक साल में कितना बार? अब हाँ तनुश्री का, हाँ इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। एक साल में वो भी वैसे ठीक ही बोली थी, मतलब कि सर एक साल में इतना बार इंटरेस्ट मिला, बट इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, कि एक साल में कितना बार कंपाउंडिंग हो रहा है, राइट? पी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, अच्छा तो ये तो हो गया। अभी इसके बाद में व्हाट इज, अरे ये क्या चलोगे भाई, एक मिनट डूब ना रहे ओके क्लास फ्रॉम टुडे नो एक्सेंट एंड हैंड मिटिंग। बताओ ये क्या होता है? व्हाट इज एन हैंड मिटिंग? एनुइटी इज अ रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट। अच्छा क्या ये अरियर में हो सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरियर? एंड ऑफ द ईयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवांस? स्टार्ट ऑफ द ईयर। कंटिन्यूअस तो मतलब थ्रू आउट हो रहा है। अच्छा तुम लोगों को बताएगा, युक्ता को बताएगी लेवल एनुइटी। अभी पहले पढ़ेंगे लेवल, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है ना? लेवल एनुइटी पेड इन अरियर एन ईयर्स के लिए है, बताओ इसका क्या बनाएंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल बताओ, फर्स्ट प्रिंसिपल आई एक्सपेक्ट तुमने सबका फर्स्ट प्रिंसिपल तो आना ही चाहिए। हाँ हाँ, वी वी प्लस 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 जनरल बी टू दी पावर, तो इसका क्या होगा आंसर? वन माइनस बाय आई। अब एडवांस वाला बताओ, वन प्लस बी प्लस डॉट डॉट बी टू दी पावर, इसका क्या आंसर आएगा? अच्छा इसमें एक चीज जो हम लोग नोटिस किए थे वो क्या नोटिस किए थे? क्या नोटिस किए थे? न्यूमरेटर सब सेम है। अच्छा अगर कंटिन्यूस का करेंगे लाइक ये क्या हो जाएगा ए एन, ये क्या हो जाएगा दो चंद्रबिंदु एन, और ऊपर में क्या आ जाएगा बार एन। बार अगर होगा तो नीचे में क्या आ रहा है? सर इससे हमको ये पता चल गया कि न्यूमरेटर सब सेम है, न्यूमरेटर सब सेम है, डिनोमिनेटर अगर एंड है तो आई है, स्टार्ट है तो बी है, इंटरेस्ट एंड में मिलता है, डिस्काउंट स्टार्ट में लगता है। रखने वाले बच्चे लोग बता रहे हैं डेल्टा क्या है, किस चीज का सिग्नेचर है? डेल्टा कंटिन्यूअस, कभी भी देखिएगा कंटिन्यूअस होगा तो डेल्टा तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना? अच्छा अभी अगर हम लोग को अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना होगा लाइक एस एन, अच्छा एक बात बताओ अरियर में पेमेंट्स हो रहा है, मेरे को अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है उसका, मेरे को फर्स्ट प्रिंसिपल को बता सकते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल हाँ वन प्लस, समझ गया ना? अक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है लेवल एनुइटी का जो अक्यूमुलेटेड वैल्यू है उसका मेरे को फर्स्ट प्रिंसिपल जानना है। वन प्लस I टू दी पावर एन, आरियर में क्या होता है? आरियर में एन नहीं होता है, क्या होता है? एन माइनस वन होगा। क्यों एन माइनस वन होगा बताओ? क्यों एन माइनस वन होगा? क्योंकि फर्स्ट पेमेंट वन पे हो रहा है, एक साल तो चला गया ना, सर विजुलाइज करिए। ओके जीरो वन टू, यहां पर एन है तो यहां पर अभी यहां से यहां तक कितना साल है? एन ईयर्स है, एक साल चला गया, कितना साल बचा? एन माइनस वन बचा।
तो इसलिए 1 प्लस आई टू द पावर प्लस फिर से क्या हो जाएगा 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस टू। क्या दोनों प्रूफ कर सकते हो उसको? कॉपी प्रूफ कर दिखाओ अभी एग्जाम में आता है 4 मार्क्स 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस वन 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस टू क्लास प्लीज करो हो जाने से बता देना, हो जाने से प्लीज बता दीजिएगा। आई विल नॉट वेट। हाथ में स्पीड रखना इतना जरूरी है ना, क्या बोलेंगे आप जिसका हो जाएगा वैसे वो हाथ। अरे युक्ता तुम कर क्यों नहीं रही हो गया सबका हो गया है मुस्कान का हुआ नहीं हो रहा है। अरे उल्टा कर दो उल्टा कर दो सर उल्टा कर दो। अरे लास्ट में वन आ रहा था ना एन पे जो पेमेंट होता वन आ गया उल्टा कर दो तो वन प्लस आई प्लस वन प्लस आई का स्क्वायर डॉट 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 वन प्लस आई के बाद कहां स्टार्ट किया था? अरे पावर में क्या से स्टार्ट किया था? जीरो से। तो जीरो से एन माइनस वन कितना टर्म्स होता है? एन। जीरो से एन माइनस वन कितना टर्म्स होता है? एन टर्म्स होती है। ठीक है करो। और फिर क्या बन रहा है एपी या जीपी? जीपी। सर हमारा तो कुछ नहीं बन रहा है। This will go into our competence page. आया क्या है सर? चलो तो S बार n का क्या फॉर्मूला बनेगा हिसाब से देखा जाए तो 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 बाय डेल्टा। अच्छा बात बताओ पर पे क्या दो शब्द से बना है ये कौन कौन सा? मेरा स्पेलिंग तो खराब कैसे हो गया बस तो ठीक था प्लस इसका मतलब क्या होता है उमांग? अरे नहीं यार इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा एनविटी जो कि आजीवन आपके साथ चलते रहेगा उसको क्या बोलते हैं? परपेचुटी। तो अगर मान लो एक ऐसा कंपनी है जो हर साल 50 रुपए का डिविडेंड दे रहा है, एक ऐसा कंपनी है जो हर साल 50 रुपए का डिविडेंड दे रहा है तो मेरे को उसका प्रेजेंट वैल्यू ये बताओ परपेचुटी में। एक जन हमको कल वो जो रिस्पॉन्स था उसमें भेजा है यू डिड नॉट डू फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपेचुटी वेरी बैड इट वॉज वर्स्ट एट क्वेश्चंस फ्रॉम यू। क्या बोले मुझे क्या बोले क्या जवाब दें बच्चों? यस बोलो क्या जवाब तुम ही था क्या क्या जवाब दे बोला यू हैव नॉट टॉट अस फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपेचुटी वेरी बैड बोल दीजिए फ्यूचर वैल्यू कैसे होता है इनफाइनाइट तक में इनफाइनाइट तक। हाँ तो क्या मतलब क्यों नहीं हो सकता है इनफाइनाइट तक है ना तो उसका वैल्यू कैसे करेंगे? जो भी वीडियो देख रहा है सुन लेना ठीक है इनफाइनाइट वो भी देख रहे हैं हाँ इनफाइनाइट तक है तो खाली क्या निकाल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा बात बताओ एक कंपनी को कर रहा है एक कंपनी है 50 रुपए का डिविडेंड दे रहा है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। ध्यान सुन लेना कंपनी है 50 रुपए का डिविडेंड दे रहा है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर मेरे को उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दिखाओ मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रही है 15% करके दिखाओ। कंपनी है ठीक है मेरा कंपनी है
₹50 का डिविडेंड दे रहा है तभी मेरा कंपनी है, हर साल दे रहा है और इंटरेस्ट रेट चल रही है 15%। तुमको इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड दिखा के दिखा रहे, कैसे करेंगे? 50V प्लस 50V स्क्वायर प्लस 50V क्यूब डॉट डॉट अप टू, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? 50V बाहर 1 प्लस V प्लस डॉट डॉट अप टू, तो ये क्या है? A बाय 1 माइनस बी क्या होता है सर? बताइए प्लीज, प्लीज बताइए सर प्लीज, 1 माइनस बी क्या होता है बोलो? D। तो क्या आ रहा है सर? 15? अरे पूरा ऐसे बोलो ना, 333.3333। ओके ठीक है। अच्छा अभी हम तुम लोगों को हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लो कंपनी एंड ऑफ द ईयर पे डिविडेंड दे रहा है, ₹50 का ही डिविडेंड दे रहा है, लेकिन मैंने शेयर खरीदा है 7/12 पे, मतलब आफ्टर 7 months आई हैव, जैसे मान लो यहां पर कंपनी का आईपीओ आया, मैंने उसके 7 महीने के बाद में शेयर खरीदा है और कंपनी डिविडेंड देगा एवरी ईयर इन परपेचुइटी 50 का, मेरे को इसका वैल्यू बताओ, यहां पर इसका वैल्यू बताओ, स्टार्ट कैसे करेंगे? क्या चीज फिर से? हाँ मैं 7/12 पे खड़ा हूं, ये मैं हूं, ये मेरी फ्रेंड कैसे किया है और कैसे करना है ये दोनों बताना है। 7/12 पे इसी शेयर का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे? ये कौन बोला? देखो ये बहुत अच्छा बोला गया, किससे पहले जीरो पे निकाल लीजिए ना, क्योंकि हमको फ्रैक्शंस तो पसंद है ही नहीं, हमको लाइफ में फ्रैक्शंस नेगेटिविटी सबसे सब इंसान उसके पास जाना चाहता है जहां पर पॉजिटिविटी हो, नेगेटिविटी फ्रैक्शन नॉर्मल हो। तो यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये सब हम लोग कहां पर किया पता है? बुकलेट 4 में किया पता है। जब वो लोग ऐसे बोलेगा ना कि 7/12 पे निकालो या फिर ऐसा एक और जगह पे निकालो, तो उस समय ये सब ट्रिक्स काम आता है कि पहले जीरो पे निकालो या फिर 1 पे निकालो ना। 1 पे देखेंगे तो क्या दिखेगा? एडवांस दिखेगा, और जीरो से देखेंगे तो क्या दिखेगा? अरे दिखेगा। तो पहले जीरो पे वैल्यू जो लाया है, जीरो पे जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे? आगे लेके जाएंगे। कितना मंथ आगे लेके जाएंगे? 7 months। जीरो पे जो वैल्यू आया है उसको 7 months आगे लेके जाएंगे तो आ जाएगा क्या? ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है, आंसर बताओ कितना आ रहा है? 333.33 into 1.15। ओके अभी ये क्या है बताना, क्या है? क्या है पूरा बताओ? डिस्काउंटिंग फैक्टर डेल्टा डी इज व्हाट? डेल्टा डी इज व्हाट? फोर्स ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन दिया हुआ है। ये इसका मतलब क्या है? टाइम टी पर जो पेमेंट हुआ है उसको मैं कहां पर लेके आ रहा हूं? ए पर लेके आ रहा हूं, राइट? टाइम टी पर जो पेमेंट हुआ उसको कहां पर लेके आ रहा हूं? ए पर लेके आ रहा हूं। नाउ व्हाट इज दिस रो टी? व्हाट इज दिस रो टी? इज द रेट ऑफ पेमेंट एट टाइम टी। अगर मैं ऐसा एक पेमेंट हो रहा है तब यही ठीक है, और अगर ऐसा ए टू बी में बहुत सारी पेमेंट्स हो रही है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे ए टू। अगर मान लेते हैं यहीं पर ऐसा बोलता कि 1 पर हो रहा है, 2 पर हो रहा है, 3 पर हो रहा है, 4 पर हो रहा है, 5 पर हो रहा है, तो हम क्या करते? इंटीग्रेशन करते ना समेशन करते? समेशन करते, क्योंकि उस समय डिस्क्रीट हो रहा है ना, डिस्क्रीट के साथ हमेशा क्या अटैच होकर आता है। लेकिन यहां पर अब इसका मतलब पढ़ो धीरे धीरे करके। अच्छा हम तो छुपा नहीं पा रहे, तो पहले ये फर्स्ट वाला पार्ट देखना। पहले क्या है? डिस्काउंटिंग फैक्टर आया कि टाइम टी पर जो पेमेंट हो रहा है
उसका प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम ए. ऐसा ये देखो यहाँ पर ही जो बाहर की है ना, दिख रहा देखो डी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला डी टी वाला जो पार्ट है डी टी, ये टी टी मतलब क्या है, व्हाट इज टी, टाइम क्या चीज का टाइम, टाइम ऑफ पेमेंट रैंडम टाइम. ए से बी के बीच में बहुत सारी एक ना बहुत सारी बहुत सारा नहीं बहुत सारी ठीक है, सारा का प्लूरल होता है सारी ठीक है. तो बहुत सारा पेमेंट होगा, बहुत सारा पेमेंट होगा, कितना पेमेंट होगा, बहुत सारी पेमेंट होगी. तो अभी सुनो दिस टी डिनोट्स द रैंडम टाइम ऑफ पेमेंट. अभी एक पेमेंट होगा ना बहुत सारा होगा, बहुत सारा होगा कहां से कहां तक होगा, मैं किस चीज का सम कर रहा हूं, ये जो सम जो कर रहा हूं क्या ए टू बी टू सम हो रहा है ठीक है, क्या चीज का सम कर रहे हैं यहाँ पर, पेमेंट का सम नहीं हो रहा है, कौन बोला प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यूज का सम कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यूज का सम कर रहे हैं यहाँ पर, प्रेजेंट जाइंट जो भी टाइम पे पेमेंट हुआ है पहले उसको, क्योंकि नहीं तो सम नहीं कर सकते ना, सम कैसे कर सकते हैं सर, एक पेमेंट टी वन पे खड़ा है एक पेमेंट टी टू पे खड़ा है, क्या दोनों को प्लस कर दूं, सर बहुत मन कर रहा है नहीं कर सकते हैं, कैसे कर देंगे, कैसे कर देंगे ठीक है भैया, टी जो है टाइम पीरियड को हमेशा बी से छोटे रहता है, क्या जी टी जो है टाइम पीरियड को बी से छोटे रहता है, हाँ भाई ठीक है ये हो गया, दिस इज व्हाट प्रेजेंट वैल्यू, प्लस श्योर अभी सुनो अभी ऐसे अगर निकालेंगे ए भी निकालेंगे अगर ठीक है, ए भी निकालेंगे टाइम बी पर, तो कैसे करेंगे बताओ, कैसे कौन बोले माइनस हटा दीजिए, हम ऐसे पढ़ाते तुमको कैसा लगता बोलना पूरा, माइनस हटा सुबह सुबह घुट के आ जाते नालायक माइनस हटा दीजिए, ये भी बोलने में कितना कष्ट हो रहा है तुमको, वो तो हो रहा है हाँ, ए टू बी रोटी एक्सपोनेंशियल टाइम टी पर जो उसको कहां लेके जा रहे हैं, देखो ये स्विंग है मतलब टी से बी समझ आ रहे हैं, हाँ बोलो आगे, डेल्टा एस डी एस होल इंटू डी टी ठीक है, देख लो इसको अच्छा से सिंपली अगर हम लोग को देखना हो तो यहां पर एक चीज ऐसा बना लेना, दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज रैंडम टाइम टी, तो अगर हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो कहां पर लेके जा रहे हैं ए पर, और अगर हम लोग अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है तो कहां पर लेके जा रहे हैं बी पर, अब हम एक सम दे रहे हैं वो तुम लोगों को करना है ठीक है, कोई कुछ नहीं खोलेगा हम खाली देंगे सम, हम अपने आप ढूंढ के देंगे, ये तुम लोगों को डेल्टा टी का फंक्शन दिया हुआ है, तुम लोगों को जनरलाइज्ड एक्सप्रेशंस बनाना है वीटी के लिए, व्हाट इज द जनरलाइज्ड एक्सप्रेशंस, व्हाट इज द यूज ऑफ जनरलाइज्ड एक्सप्रेशंस बताएंगे प्लीज, मतलब आप इंटीग्रेट कर दीजिए जीरो टू पी, नो व्हाट इज द यूज, हाँ ये जाना था, बार बार इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, एक बार मान लो इंटीग्रेट कर दिया अब खाली बार बार क्या करना पड़ेगा वैल्यू पुटिंग ठीक है ना, तो कैसे अभी सुन, अब लास्ट लाइन क्या बोली वैल्यू पुटिंग, तो पहले का नहीं बोल रहा ठीक है, थोड़ा यस है दूध बात ठीक है, अभी सुनो बीटी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अरे बोलो यार तुम लोग ऐसे मत क्या करो, गुस्से हो गए तुम लोग क्या, वहां जीरो से नाइन तक, तो वीटी कैसे निकालेगा, एक्सपोनेंशियल भाई इसका ही खत्म नहीं होता है खत्म, एक्सपोनेंशियल माइनस जीरो से कहां टी, जीरो से टी समझा, अब एक बार जो वीटी जो आएगा वो टी के फॉर्म में आ गया, अब ये जो वीटी टी के फॉर्म में आ गया अब बस करिए वहां पर, अगर मान लो मेरे को पहला एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर निकालना है तो क्या पुट कर सकते हो टी की जगह में वन, इस तरीके से ठीक है, पहले सॉल्व करो इसको, फटाफट सॉल्व सॉल्व सॉल्व, हाँ तो माइनस गया ना,
तो वन बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर, वन बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर. हाँ, नाउ दिस वी टी इज नथिंग बट वी जीरो टू टी. दिस वी टी इज नथिंग बट वी जीरो टू टी. प्लीज रिमेंबर. कितना आ रहा है? e to the power minus 0.135 minus सुबह उठते हुक्का डालते हैं. इसको कैसा लगेगा बताओ? हम लोगों को बोल रहे हैं ये जो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन क्या कभी क्या कह रहे हैं इसमें? कभी कहते हैं कि तुम बार बार इंटीग्रेट मत करो, जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन जो आ गया है उसमें तुम वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, और हम फिर से क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो गलत हो जाएगा ना ये चीज. हम इसको बोल रहे तुम धूपबत्ती जलाओ और हम हर दिन सुबह उठ के सब सब कर रहे. हाँ क्या निकालेंगे तो एक्सपोनेंशियल 9 से टी होगा. एक्सपोनेंशियल 9 से टी होगा. क्यों? वी टी का मतलब क्या होता है? वी टी का मतलब होता है माइनस. ठीक है, अब इसको सॉल्व करके दिखाओ क्या. तो अल्टीमेटली फाइनली क्या आ रहा है? ठीक है.
अभी इसके बाद में अभी सुनना एक बात बताना ए फोर 20 ठीक है अगर इसको टेबल बुक से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे ए 20 इंटू ए ड्यू 12 30 कैसे सॉल्व करेंगे आई बाय डी 12 ये दोनों का आता है और ये वाला वैल्यू कहां से देखेगा साइड बॉक्स से देखेगा अच्छा नाउ नेक्स्ट इज योर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनविटीज ठीक है अच्छा इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे मान लेते हैं डेफर्ड इसका मतलब क्या है 3 डेफर्ड ए 5 मेरे को इसका फर्स्ट प्रिंसिपल चाहिए 3 डेफर्ड ए 5 मेरे को इसका फर्स्ट प्रिंसिपल चाहिए बताओ एक बट कोई नहीं बोले नमस्कार बोलो 3 डेफर्ड ए 5 हाँ 3 डेफर्ड ए 5 मुस्कान बोलो क्लास प्लीज फोकस हाँ इधर उधर ध्यान में भटकाओ एकदम पूरा इधर पे पूरा फुल अटेंशन इधर पे फिर जब घर में जाएंगे ना तो घर का टेंशन उधर में सोचेंगे अभी पूरा फुल फोकस इधर पे हाँ बोलो वी प्रथम बोल वी टू दी पावर 4 कैसा है ये ए 5 है ना तो पहला पेमेंट कहां पर होगा टाइम 1 पे होता ऐसे में सोचो टाइम 1 पे 3 साल के लिए क्या रोक दिया पेमेंट रोक दिया तो 3 साल रोका मतलब 3 पे जब खड़े होके देखेंगे तो क्या देखना चाहिए अरियर देखना चाहिए तो पहला पेमेंट कहां पर होगी प्लस लास्ट कंट्रोल हाँ कौन वाला वीडियो दिखा 9 था सर नहीं आया ये हो गया अब बताना 5 डेफर्ड ए ड्यू 10 कौन बोलेगा हुआ शुरू आए हाँ बोलो योगिता बोलो विडिवा 4 नेक्स्ट विडिवा 5 प्लस अरे बाबू क्यों हो रहे हैं तो समझना पड़ेगा ना 5 ईयर डेफर्ड है अब 5 जितना साल डेफर्ड है पहले वहां पर खड़े हो जाओ टाइम 5 पे खड़े हो गया अब खड़े होकर देखो कि एडवांस है क्या अरियर है अगर एडवांस है तो जहां खड़े हैं वहीं से पेमेंट स्टार्ट होनी है और अगर अरियर है तो एक साल के बाद से पेमेंट स्टार्ट होनी है ठीक है अब बताओ लास्ट कब हुआ ये बता दो बस विडिवा 10 5 साल के बाद 10 साल के लिए अभी बताओ विडिवा 14 क्लियर दिस इज व्हाट डेफर्ड इसमें कोई भी लॉजिक लग रहा है क्या पहले कैसे कुछ लग रहा है कुछ नया पढ़ रहा है नहीं कुछ नहीं वैसे तो कुछ फील ही नहीं आ रहा है नेक्स्ट अच्छा एक बात बताओ आई ए एन का मतलब क्या होता है आई ए एन का मतलब क्या होता है सर एनविटी है एन एनविटी फॉर एन ईयर्स है आई का मतलब क्या होता है सिंपल इंक्रीज अरे सिंपल इंक्रीज कैसा होता है 500 ऐसा मत सुनो सुनो 500 550 600 ऐसा होता है क्या हाँ अच्छा तो आई एन का फर्स्ट प्रिंसिपल कौन हो जाएगा आई एन का फर्स्ट प्रिंसिपल बताओ आई एन का फर्स्ट प्रिंसिपल बोल रहे हैं आई एन डी एन का नहीं बोल रहा आई एन का फर्स्ट प्रिंसिपल V plus 2V square. Oh, अच्छा V plus 2V square plus plus dot dot dot. ठीक है good. अभी देखो यहाँ पर पहला payment कितना का हो रहा था? 1 का. और हर एक payment कितना से बढ़ रहा था? 1 से. तो 1, 2, 3 से ज़्यादा था. अभी I A D O N बताओ. I A D O N बताओ. 1 plus V V नहीं होगा क्या होगा? Plus प्लस डॉलर लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा एन वी टू दी पावर एन माइनस वन आई ए होल बार है बताओ आई ए होल बार है नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स प्रूफ आएगा ही आएगा आई ए होल बार है का प्रूफ के बिना पेपर अधूरा है बताओ जल्दी बताओ आई ए होल बार है फॉर्मूला बता दो बस
अच्छा फर्स्ट प्रिंसिपल ज्यादा कैसे करेंगे, कोई है ऐसा प्रथम बोल? आइए और बार क्या है, किसकी किस पे बार है? दोनों पे बार है, मतलब इंक्रीज भी कंटिन्यूस है और पेमेंट भी कंटिन्यूस है। तो देखो कैसे होगा, जीरो टू एन टाइम टी पर टी का पेमेंट होगा इनटू इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो टी वी टू दी पार टी डी टी। टाइम टी पर टी का पेमेंट हो रहा है, इसका ग्राफ कैसा बनाया था? ऐसा बनाया था ना, सिंपल इंक्रीज का। और जो ऐसा था आई ए बार एन, इसका कैसा बनाया था? ग्राफ, स्टेप ग्राफ ऐसा। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, पेमेंट तो कंटिन्यूस हो रही है लेकिन इंक्रीज हो रहा है, वो कैसा हो रहा है? डिस्क्रीट हो रहा है। अच्छा इसका वाला फॉर्मूला हम लोगों क्या आया था, ए बार एन माइनस एन बी टू दी पार एन बाय डेल्टा। यहां पर क्या आ रहा था फॉर्मूला आई ए बार एन में, ए डी यू एन माइनस एन बी टू दी पार एन बाय डेल्टा। अच्छा आई ए डी यू एन का फॉर्मूला क्या था सर? न्यूमरेटर सेम रहेगा, ए डी यू एन माइनस एन बी टू दी पार एन बाय डी, दिस इज व्हाट आई ए डी यू एन। अभी ध्यान से बात करते, ध्यान सुनना, अभी इस बार हमें आई ए बार में और आई ए होल बार में क्या फर्क है। यहां पर आई के ऊपर में जो बार है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर इंक्रीज भी कंटिन्यूस है लेकिन यहां पर इंक्रीज जो है कैसा है? डिस्क्रीट है। लाइक ऐसा होगा 10, 20, 30, 40, 50, लेकिन जो पेमेंट हो रहा है 10 का वो क्या हो रहा है? एक बार में नहीं हो रहा, थ्रू आउट हो रहा है। ठीक है सर, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे जब सम होएगा तो भी सम में बोल देगा ना, कि जैसे मान लो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, दे आर सेइंग यू देख लो, ऐसा मान लो पेमेंट इज कंटिन्यूअस, पेमेंट इज कंटिन्यूअस, स्ट्रक्चर देखो कैसा है, बोल रहा फर्स्ट ईयर 100, सेकेंड ईयर 105, थर्ड ईयर 110, फोर्थ ईयर 115। तो इसका मतलब क्या है, आई के ऊपर बार लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, बिकॉज द इंक्रीज इज डिस्क्रीट। तो 100 को कैसे लिखेंगे, इसका वैल्यू सॉल्व करना है आई इज इक्वल टू 10% सॉल्व कर सकते, आई इज इक्वल टू 10% पे इसका वैल्यू सॉल्व करना भी करो, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। कितना साल का बता दे रहे, 10 साल का है, 10 साल तक है। स्टार्ट, जब भी बढ़ रहा होता है पेमेंट तो कैसे लिखते हैं? घटा के लिखते हैं जितना से बढ़ रहा होता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 95 प्लस 5 इंटू 1, इसको कैसे लिखेंगे 95 प्लस, इसको कैसे लिखेंगे 95 प्लस, लास्ट में क्या जाएगा 95 प्लस, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 95 ए बार 10 प्लस 5 आई ए बार 10। प्लीज सॉल्व करना इसको, सब कुछ हाँ, ये तो सिंपल इंक्रीज भी हो सकता है। नहीं नहीं, मैंने बोला ना पेमेंट इज कंटिन्यूस, अगर नहीं होता तो, अगर ऐसे नहीं होता तो नॉर्मली सिटी वन में आइयर मानता है, आइयर मानेगा तो क्या हो जाएगा 95 ए 10 प्लस 5 आई ए 10। अगर एडवांस बोल देता तो 95 ए डी यू 10 प्लस 5 आई ए डी यू 10। सिंपल इंक्रीज तो है ही, लेकिन सिंपल इंक्रीज में पेमेंट्स कंटिन्यूस हो रहा है थ्रू आउट द ईयर हो रहा है ना, पेमेंट इज कंटिन्यूस लिखा है। प्लीज सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, बात मत करिए, कभी बात करना पाप है, नदी किनारे सांप है। Yeah, I don't know, but you know what? I do something.
क्या चीज कितना आ रहा है इसका आंसर कितना 7 ठीक है 764 कैसे आएगा बाप वो पूरा इसमें फिट कर क्या हो रहा है 7 7 48 कितना लोग का याद रहो एक दो लोग का बाकी लोग का कितना आ रहा है 764 सही है क्या चीज नहीं लेकिन इतना तो फर्क नहीं आएगा टिपर लुक यूज करो चाहे नहीं करो इतना फर्क ना 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 टेबल देखो तो वही आ रहा है क्या रफली हाँ बोले ना कुछ गलती हुआ देखो हाँ इतना गलती हो ही नहीं सकता है ना 95 A10 इंटू आई बाय डेल्टा प्लस 5 IA10 इंटू आई बाय डेल्टा ठीक है अच्छा 764 इज द करेक्ट आंसर ना फिर नेक्स्ट ईओवी इक्वेशंस ऑफ वैल्यू जिसपे हम लोग का पूरा आधार टिका हुआ है चाहे वो 1 हो चाहे वो 5 हो तो व्हाट द इक्वेशन ऑफ वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मतलब मेरे को फ्यूचर में जितने भी सारे कैश फ्लोज आने हैं उन सब का प्रेजेंट वैल्यू ही आज मैं पे करूंगा दैट इज व्हाट ठीक है ना अच्छा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो ध्यान सुना अभी मेरे को फ्यूचर में जितना भी सारा इनफ्लोज आना है उन सब का प्रेजेंट वैल्यू ही एक रैशनल इन्वेस्टर आज पे करेगा ठीक है अभी ऐसे टाइप का चैप्टर्स में दो टाइप ऑफ चीज होता है कौन सा जैसे मान लो अभी अ शेयर इज ट्रेडिंग एट 760 रुपीज एक शेयर ट्रेड हो रहा है 760 रुपीज में तो मैंने जब देखा कि शेयर का जितना भी सारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है जब मैंने उसको पुल बैक किया 10% पे तो वो आ रहा था 800 जब मैंने 15% पे पुल बैक किया तो वो आ रहा था 750 और जब मैंने उसको 20% पे पुल बैक किया तो वो आ रहा था मान लो 700 एक बार के लिए ऐसे मान लो जितना भी सारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है 760 रुपीज में जब मैंने 10% पे पुल ऑफ किया तो 800 आ रहा है 15% में जब पुल ऑफ किया तो 750 एंड 20% में जब पुल ऑफ किया तो आ रहा है 700 अब ध्यान सुनना तुम लोग मेरे को बताएगा कि जो 10% रिटर्न कमाना चाहता है जो 10 जिसका मन का 10% रिटर्न कमाने का इच्छा है वो ये शेयर बाय करेगा कि नहीं करेगा वो जिसके हिसाब से शेयर का वैल्यू 800 होना चाहिए उसी शेयर का वैल्यू मार्केट में कितना चल रही है 760 तो वो बताओ बाय करेगा कि अरे बाबा हम जैसे मान लो हम है हम 25,000 रुपए ले रहे हैं कोई और है वो 15,000 बढ़ाएगा तो उसको जाएगा क्या हाँ पर मतलब नहीं हम थोड़ी है वो यहां पर तो सेम चीज मिल रहा है पागल 5,000 भी पढ़ा दो लोग तो 10% जिसके उसके हिसाब से वैल्यू कितना आना चाहिए 800 लेकिन वैल्यू आ कितना रहा है मतलब मार्केट में कितना में ट्रेड हो रहा है 760 में बताओ वो एक्शन क्या करेगा सस्ता मिल रहा है ना 800 का चीज उसके हिसाब से मार्केट में कितना में मिल रहा है तो एक्शन क्या होगा बाय अब इसके लिए डील करते हैं 15% जिसको रिटर्न चाहिए
उसके हिसाब से वैल्यू आ रहा है 750, लेकिन मार्केट में 760 बताओ नहीं परचेस करेगा क्यों? बिकॉज उसके लिए क्या है, महंगा है, महंगा है, इसके लिए भी महंगा। तो ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ना, जैसे इसी से हम लोग का लॉजिक आता है कि मान लो प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, ठीक है प्रोजेक्ट, तो इस प्रोजेक्ट में अगर तुम लोग लगाओगे तो 10% रिटर्न, और इस प्रोजेक्ट में अगर लगाओगे तो 15% रिटर्न, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। अभी मान लो मेरे को 12% रिटर्न चाहिए, मेरे को 12% का रिटर्न चाहिए, तो कौन सा प्रोजेक्ट ऐसे ही हट जा रहा है? ए। इसको बोलने का तरीका सुनो, एकदम ध्यान सुनो इसको, क्लास इसको तरीका सुनो। अभी क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स अगर 12% है, कौन सा गधा ऐसा है जो 12% में फंड बोरो करके प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है, काम भी कर रहा है और 10% रिटर्न कमा रहा है? कोई ऐसा नहीं करेगा। तो अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 12% है तो ऑब्वियस सा बात है ना, तो बट ऑब्वियस है कि मेरे को रिटर्न कितना ज्यादा चाहिए होगा, 12% से ज्यादा चाहिए होगा। क्लियर? अच्छा, दिस इज इक्वेशन ऑफ वैल्यू। इसमें मेजरली सब इंटरपोलेशन वाला चीज आता है, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग का फीड नहीं होता है, तो उसके हम लोग क्या कर सकते हैं, 1+i को एक्स ले सकते हैं, स्टार्ट करेंगे 1.01 से, एंड करेंगे 1.2 में, और स्टेप क्या डालेंगे 0.01। क्लियर? बहुत बार जब इक्वेशंस क्या बड़ा बड़ा आ जाता है कैलकुलेशन में, अगर फीड नहीं हो कैलकुलेटर में, अगर फीड नहीं हो तो क्या करेंगे, 1+i को हम लोग क्या ले सकते हैं, x, स्टार्ट करेंगे 1.01, एंड करेंगे 1.2, एंड स्टेप डालेंगे 0.01 का। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ये सब तो ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अभी व्हाट इज एनपीवी, एनपीवी क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब, तुम आज तो तुमको देख लिया पूरा, तुम सो गए थे अभी, अभी तुम्हारा हाथ भी ऐसे हुआ था, अभी जस्ट देखे सोना नहीं एकदम, उठो बगल वाले को उठाओ, थोड़ा पहले तो पूरा सुना, तो पूरा एकदम हल्का हल्का झपके तो मार रहा एकदम पूरा, तुम्हारा मूड वहां से एजुकेट मिट जाएगा थोड़ा। अरे सच्ची, हाँ ठीक है, अभी बताओ एनपीवी क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये बात बताना, IRR, व्हाट इज IRR, क्या होता है, एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जहां पर क्या होगा एनपीवी जीरो। एनपीवी का मतलब क्या था, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो माइनस। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा हो रहा है, अभी IRR पे एनपीवी जीरो है, तो IRR होता क्या एक्चुअल में, एक्चुअल में IRR क्या होता है, प्रोजेक्ट का, हम लोग अगर ऐसे बात करें, प्रोजेक्ट का जो हिडन रेट है, प्रोजेक्ट एक्चुअल में जो कमा के दे रहा है वो IRR, कि प्रोजेक्ट में एक्चुअल में कितना कमा के दे रहा है वो तुम लोग का IRR होता है। जैसे मान लो प्रोजेक्ट कमा के दे रहा है 10% का रिटर्न, ठीक है, और तुम लोग 6% पे सारा डिस्काउंटिंग ऐसा सब वगैरह कर रहा है, प्रोजेक्ट कमा के दे रहा है 10% और तुम लोग सब कुछ जो कर रहे हो सब 6% पे कर रहा है, तो एनपीवी क्या आएगा, कैसे आएगा पॉजिटिव, एनपीवी पॉजिटिव क्यों आएगा, बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू है ना, अभी यील्ड को कम कर दिया, देयर इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनवर्स, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, डैश एंड डैश, प्राइस एंड यील्ड, कि अगर तुम लोग इंटरेस्ट रेट गिराएगा तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, तो 10% पे जो चीज जीरो आ रहा था अगर कम कर देगा तो ये चीज बढ़ेगा ना, मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आ जाओ एक सम करेंगे, तुम लोग रिविजन ऑफ लाएगा, हम डिक्टेट करा के कराएंगे, तुम करेगा छोड़ देंगे। ये देखो यहां पर एक प्रोजेक्ट कैसे हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, लिख लेना मटेरियल क्वेश्चन पेज नंबर 3, मैट पेज नंबर 3,
दिस इज पेज 3 ऑफ द मैट. ये जो प्रोजेक्ट टेस्ट है इसका तुम लोगों को अभी एनपीवी निकालना है, एट द रेट 10% आईआरआर निकालना है. चलो स्टार्ट करो. एनपीवी निकालना है एट द रेट 10% और आईआरआर भी निकालना. प्लीज पढ़ लेना. द स्टाफ कॉस्ट कैन बी अज्यूम टू बी पेड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट ईच ईयर. ये सारा स्टाफ कॉस्ट है. एनपीवी निकालना है एट द रेट 10% एंड आईआरआर निकालना है. एक मिनट बस कर लूँगा ना. एक सेकंड हटा रहे. टेन परसेंट पे निकालना है और 20% पे भी निकालना है. 10 और 20 दोनों पे निकालना है. एनपीवी निकालेगा 10 पे, एनपीवी निकालेगा 20 पे और आईआरआर निकाल के दिखाएगा. मिटा नहीं रहे, कॉपी करने का धक्का नहीं, आराम से देख के करो. कितना आ रहा है 10% पे? 1, 8, 2, 1, 4, 3, 4, 3, 6, 8, 4, 8, 2, 8, 9, 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